हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को। सभी कॉन्टैक्ट नंबर को इस वीडियो के अंदर बताने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि शेयर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली अपने कॉन्टैक्ट के सेटिंग के जरिए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको ऊपर वाला इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपना जो भी, अगर ईमेल आईडी पे है तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी पे से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस पर से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा उस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने वीडियो हो भी चुका है। तो इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट नंबर को आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका शेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।